हेलो भाई, स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल जिसका कि नाम है लेट्स क्रैक एनटीएजीसी नेट। आज हम फिर से एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं जिसका कि नाम है कोन ऑफ एक्सपीरियंस। तो ये कोन ऑफ एक्सपीरियंस क्या है, किस सेक्शन में आता है, सबसे पहले तो ये कन्फ्यूजन होगी। देखिए, टीचिंग एप्टीट्यूड जब से सिलेबस चेंज हुआ है, अब इसमें जो थियरीज हैं टीचिंग और लर्निंग की या कॉग्निटिव डेवलपमेंट की, वो भी आने लगी हैं और उनसे भी क्वेश्चंस बनने लगे हैं। तो आज हम ये जानेंगे कि भाई सबसे पहले कोन ऑफ एक्सपेरिमेंट क्या है और किसने ये कोन ऑफ एक्सपेरिमेंट दिया है। ठीक है, तो आइए आगे बढ़ते हैं। मेरा नाम है कुमार भरत और मैंने पीएचडी कर रहा हूँ, मैं साथ में मैंने जेआरएफ क्वालिफाई किया हुआ है, 3 साल से यूट्यूब पे पढ़ा रहा हूँ। प्लस जो हमारा प्लेटफॉर्म है इसके बारे में बात कर लेते हैं। यहाँ पे इतने सारे ट्रेनर्स के कोर्सेज जैसे कि ये चल रहे हैं, सब एक सब्सक्रिप्शन से आपको मिल जाते हैं। इसके अलावा जो टेस्ट सीरीज़ हैं, टेस्ट सीरीज़ भी आपको उसी सब्सक्रिप्शन से मिलेंगी। ये सब्जेक्ट्स लिखे हैं, पेपर 1, पेपर 2, कुछ भी है, कोई अलग से कोर्स नहीं लेना, एक ही सब्सक्रिप्शन पे आपको सब मिल जाएगा। और कैसे रजिस्टर करना है आपको अनअकैडमी प्लस पे, ये आपको ऐप डाउनलोड करनी है प्ले स्टोर से और उसमें आपको अपनी कैटेगरी सर्च करनी है जो कि है एनटीएजीसी नेट। गेट सब्सक्रिप्शन बटन को दबाएंगे और अपना प्लान सेलेक्ट करके यहाँ कंटिन्यू बटन को दबाएंगे। क्या क्या प्लान्स हैं, अलग अलग मंथ्स की वैलिडिटीज हैं, जिसमें ये 12 मंथ की वैलिडिटी है। 12 मंथ का अगर आप ये सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो 875 रुपीज़ पर मंथ के हिसाब से आपको पड़ेगा। और ये कोड याद रखें जिससे आपको 10% डिस्काउंट मिलेगा। ठीक है, KB10 अगर आप डाल के अप्लाई करेंगे तो 10% का डिस्काउंट भी आपको उसमें हो जाएगा। 2 साल का यानी 24 महीने का लेंगे तो 700 रुपये पर मंथ के हिसाब से आपकी फीस पड़ेगी। और अगेन फिर KB10 यूज करेंगे, 10% का डिस्काउंट भी मिल जाएगा। तो गाइस बढ़ते हैं अपने टॉपिक पे जो कि है डेल्स कोन ऑफ एक्सपीरियंस। तो जो कोन ऑफ एक्सपीरियंस है उसको प्रपोज किया था एडगर डेल ने। तो कौन थे भाई एडगर डेल? ये थे अमेरिकन एजुकेटर। ठीक है, अमेरिकन एजुकेटर थे और इन्होंने ही कोन ऑफ एक्सपीरियंस डेवलप किया जिसको कि हम लर्निंग पैरामिड के नाम से जानते हैं। ठीक है, आइए देखते हैं क्या होता है डेल्स कोन ऑफ एक्सपीरियंस। तो ये एक पैरामिड की तरीके से है, ठीक है, और इसमें 11 स्टेजेस हैं, कंक्रीट एक्सपीरियंस टू मोस्ट एब्स्ट्रैक्ट वंस। देखिए गाइस क्या होता है कि जो हमारे एक्सपीरियंस होते हैं, हम कैसे सीखते हैं चीज़ों को, एक सबसे ज़्यादा जो हमें सीख मिलती है वो तो तब मिलती है जब हमारे साथ कुछ कुछ होता है। तो जो लाइव एक्सपीरियंस है हमारा वो सबसे ज़्यादा क्लियर कट, वो हमें ज़्यादा सिखाता है। और सबसे जो एब्स्ट्रैक्ट यानी सबसे गूढ़ जो एक्सपीरियंस होता है वो कैसे मिलता है, किताब पढ़ के, टेक्स्ट पढ़ के। ठीक है, तो इन्होंने 11 स्टेप्स बताए हैं, 11 चीज़ों में डिवाइड करा है एक्सपीरियंस को कि कंपोज्ड ऑफ 11 स्टेजेस फ्रॉम कंक्रीट एक्सपीरियंस, जो हमारे साथ हुआ कंक्रीट एक्सपीरियंस, मजबूत एक्सपीरियंस है, और टू द मोस्ट एब्स्ट्रैक्ट वन, तो सबसे एब्स्ट्रैक्ट यानी टेक्स्ट है। ठीक है, तो कौन कौन से हमारे एक्सपीरियंसेस होते हैं, एक बात ध्यान देने वाली है कि किसी भी एक्सपीरियंस में जितनी ज्यादा आपकी सेंसेस इन्वॉल्व होंगी उतनी ज्यादा आपकी लर्निंग होगी। मतलब अगर आप केवल सुन के कोई चीज पढ़ रहे हैं तो लर्निंग कम होगी, लेकिन सुन के और देख के भी पढ़ रहे हैं तो लर्निंग ज्यादा होगी। तो जितनी सेंसेस बढ़ेंगी एब्स्ट्रैक्टनेस कम होगी। जैसे सपोज अगर आपको ये देखना है, आप कुछ सीख रहे हैं कि भाई ये ठंडा प्रदेश है, देखो यहाँ पे स्नोफॉल हो रही है, टीवी में देखेंगे समझ में आएगा, क्यों? क्योंकि आंखें भी इन्वॉल्व हो रही हैं, कान भी इन्वॉल्व हो रहे हैं। लेकिन अगर आप खुद उस ठंडे प्रदेश में जाएंगे तो आपकी त्वचा भी उसको इन्वॉल्व करेगी, एक सेंस और बढ़ जाएगी। तो वो जो फीलिंग है, वो एक्सपीरियंस है, कहाँ ज़्यादा अच्छा होने वाला है, जब आप खुद वहाँ चले जाएं या आप टीवी से उसको देखें? ठीक है, तो वही चीज़ यहाँ पे है कि जितनी ज़्यादा सेंसेस इन्वॉल्व हैं उतनी ज़्यादा आपकी लर्निंग होगी। तो 11 स्टेज बताई गई हैं किस किस हिसाब से सेंसेस इन्वॉल्व होती हैं और कैसे कैसे हमारा एक्सपीरियंस और अच्छा पनता चला जाता है। ठीक है, द अरेंजमेंट इज ऑफ कोन इज बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ सेंसेस इन्वॉल्व। ठीक है, तो जितनी नंबर ऑफ सेंसेस इन्वॉल्व है उस हिसाब से कोन बनता चला गया है। आगे हम देखेंगे कोन क्या है। और द एक्सपीरियंस विच आर मिक्स्ड फॉस्टर मोर मीनिंगफुल लर्निंग। तो कोई भी एक्सपीरियंस जो मिक्स्ड होता है, मिक्स्ड का मतलब कि सपोज हमारे साथ कोई घटना हुई और चलो हमें सीखने को मिला, लेकिन हमने किताब में भी वो कहीं पढ़ी
तो हमें डबल एक सीख हो जाएगी। सपोज मेरे फ्रेंड के साथ कोई घटना हुई, कुछ हुआ, ठीक है, और सपोज के साथ कोई स्कैम हो गया, जैसे आजकल चलता है ना बैंक वाला पेटीएम का स्कैम हो गया, उसने बताया कि भाई मेरे साथ ये ठगी हो गई, स्कैम हो गया, और फिर हम उसको व्हाट्सएप पे भी हमें कहीं मैसेज आ जाता है या हम कहीं वेबसाइट पे भी पढ़ते हैं कि हाँ ये ठगी चल रही है, तो चीज़ ज़्यादा दिमाग में चली जाती है, ज़्यादा याद हो जाती है, एक्सपीरियंस ज़्यादा बन जाता है, ठीक है। तो ये चीज़ लिखा है कि अगर मिक्स हो जाए, मतलब दो चार चीज़ें, टेक्स्ट भी पढ़ लिया, वीडियो भी देख ली, तो वो मिक्स हो जाता है और ज़्यादा समझ में आता है, ठीक है। आइए देखते हैं कि क्या क्या एक्सपीरियंसेस होते हैं, किस किस टाइप के। तो नीचे लिखा है कॉन्क्रीट एक्सपीरियंस और ऊपर लिखा है सबसे एब्स्ट्रैक्ट एक्सपीरियंस, किस किस टाइप से हम चीज़ों को समझ सकते हैं, कैसे अनुभव को प्राप्त कर सकते हैं, वो इस चार्ट के अंदर पूरा का पूरा है, ठीक है। तो सबसे नीचे लिखा है डायरेक्ट और पर्पसफुल एक्सपीरियंस, मतलब जो डायरेक्ट एक्सपीरियंस हो गया, अगर हम कहीं घूमने गए, हम 10 लोगों से मिले, वहां पे चीजें समझी, वो डायरेक्ट एक्सपीरियंस है, वो सबसे जल्दी समझ में आता है। दूसरा है कंट्रीव्ड एक्सपीरियंस, कंट्रीव्ड मतलब कि किसी दोस्त से सुन रहा है, कोई दोस्त था मैं नहीं गया लेकिन मेरा दोस्त गया था, अब वो आकर के मुझे चीजें बता रहा है, मतलब साथ वाला, ठीक है, तो वो भी ज्यादा समझ में आएगा। तीसरा है ड्रामाटाइज्ड एक्सपीरियंस, अगर कोई ड्रामा करके बता रहा है, कोई शो हो रहा है, स्टेज शो हो रहा है, या चलो दोस्त गया था घूमने और वो आके थोड़ा ड्रामा करके बता रहे हैं चीज़ों को, तो थोड़ा, ठीक है, तो सबसे ज़्यादा हमें क्लियर होगा जब डायरेक्ट एक्सपीरियंस हो, और धीरे धीरे ऊपर बढ़ते जाएंगे तो थोड़ा एब्स्ट्रैक्ट एक्सपीरियंस होता चला जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहला कि डायरेक्ट हो, पर्पसफुल हो, मतलब हमने जानबूझ करके किसी चीज़ को एक्सपीरियंस किया, फिर है कंट्रीव्ड, फिर ड्रामेटाइज, फिर डेमोन्स्ट्रेशन यानी डेमो दिया गया, किसी क्लास में आप बैठते हैं, डेमो होता है कि भाई मशीन ये ऐसे चलती है, इसमें ये सारी की सारी चीज़ें लगी हुई हैं, तो वो आपका डेमो हो गया। देन होता है स्टडी ट्रिप, यानी कि स्टडी करने के लिए, ठीक है, स्टडी करने के लिए जब आप ट्रिप करते हो, चीज़ों को देखते हो, तो मतलब एक तरीके से आप स्टडी कर रहे हो चीज़ों की, कोई प्रोफेसर है वो आपको चीज़ें बता रहा है, स्टडी ट्रिप, ठीक है। उसके बाद एग्जिबिट्स, एग्जीबिशन, ठीक है, कहीं आप जाते हो, एग्जीबिशंस होती हैं, देखने को मिलती हैं चीज़ें, ठीक है। उसके बाद है एजुकेशनल टेलीविजन, टीवी पे आप देखना, अब थोड़ा इनडायरेक्ट होने लगा धीरे धीरे, ठीक है। तो जैसे हम ऊपर बढ़ते जाएंगे एक्सपीरियंस इनडायरेक्ट होने लगेगा, टीवी पे देखते हो, मोशन पिक्चर्स मूवीज देखते हो, उसको मोशन पिक्चर्स भी कहते हैं, रिकॉर्डिंग रेडियो। अब क्या है, देखिए एजुकेशनल टेलीविजन मोशन पिक्चर तक क्या था कि कान और आंख दोनों इन्वॉल्व है, अब हम चले गए यहाँ रिकॉर्डिंग एंड रेडियो और स्टिल पिक्चर्स। इसमें क्या है, रिकॉर्डिंग रेडियो में क्या है, केवल कान, स्टिल पिक्चर्स में क्या है, केवल आंख, ठीक है। तो यहाँ क्या हो गया, सेंसेस कम हो गई, बात एब्स्ट्रैक्ट हो गई, यहाँ पे धीरे धीरे हम आगे बढ़ रहे थे तो यहाँ बात एब्स्ट्रैक्ट नहीं थी, यहाँ पे बात एब्स्ट्रैक्ट हो गई क्योंकि सेंसेस कम हो गई, ठीक है। तो ये चार्ट जो है यही बताता है, यहाँ सबसे ज्यादा सेंसेस, फिर थोड़ी कम, फिर थोड़ी कम, फिर थोड़ी कम, अब यहाँ पे केवल एक सेंस यूज हो रही है। फिर उसके ऊपर गए तो विजुअल सिंबल, ठीक है, जैसे यहाँ पिक्चर, सपोज पिक्चर है तो पिक्चर हमें फिर भी कुछ बता रही है, अब तो सिंबल आ गए यहाँ पे, यानी कि चिन्ह, तो चिन्ह से और कम समझ में आ गया। जैसे सपोज हम बहुत सारे चिन्ह हैं जो अपने चारों ओर देखते हैं, जैसे आप ऐप यूज करते हैं तो अगर क्रॉस का साइन ऐसे बना है तो मतलब वो विंडो क्लोज हो जाएगी, ठीक है। ऐसे एरो बना हुआ है तो मतलब होता है बैक का बटन है, बैक जाना है, तो वहां लिखा तो नहीं रहता कि बैक जाओ, या कोई पिक्चर तो नहीं बनी रहती कि बैक जाइए, वो चिन्ह से आप समझते हो, वो एब्स्ट्रैक्ट होता है। अगर आप बहुत नए हो एप्स वगैरह में, टेक्नोलॉजी में नए हो, तो वो एब्स्ट्रैक्शन आप नहीं समझ पाओगे वहां पे, क्या एब्स्ट्रैक्शन क्या कहना चाह रहा है, यूज करते करते आपको समझ में आएगा जब आपका एक्सपीरियंस ज्यादा होगा। तो एब्स्ट्रैक्शन जितना ज्यादा होगा वो थोड़ी सी आपको लर्निंग करनी पड़ेगी तब चीजें समझ में आएंगी, ऐसे नहीं आएंगी, इसके लिए कोई लर्निंग नहीं करनी। ये छोटा बच्चा भी ऐसे समझ लेता है, छोटा बच्चा भी अपने एक्सपीरियंस से चीज़ों को सीखता है, लेकिन जैसे जैसे आप एब्स्ट्रैक्ट होते जाते हो, पढ़ाई लिखाई का यही फायदा है कि आप एब्स्ट्रैक्ट चीज़ों को आप समझने लगे हो, आपकी डेवलपमेंट इतनी हो गई है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या था, रिकॉर्डिंग या रेडियो या स्टिल पिक्चर लगी हुई है फिलहाल, यहाँ पे क्या होगा कि यहाँ साइन बना होगा, जैसे खतरे का आप चिन्ह देखते हैं तो खोपड़ी बनी रहती है, तो खोपड़ी को इस तरीके से दिखाया गया है कि भाई अगर आप ये फॉलो नहीं करते, इस रास्ते से चले जाते हो, या स्पीड अपनी धीरे नहीं करते हो, तो आपकी भी ऐसी खोपड़ी बन सकती है, इनडायरेक्टली कहने का मतलब ये है, ठीक है। तो
विजुअल सिंबल का मतलब है कि वो चिन्ह से आपको समझना होता है, बहुत एब्स्ट्रैक्ट हो जाता है। देन उसके बाद हो जाता है वर्बल सिंबल, वर्बल और एब्स्ट्रैक्ट। वर्बल मतलब क्या, लैंग्वेज लिखी हुई है भाई। एक जगह नो पार्किंग है तो वहां कार बनी है और कार कटी हुई है, ये फिर भी बच्चा भी अगर थोड़ा समझदार हो देख के समझ सकता है कि कार बनी है, तो ये सरल है। लेकिन जब वर्बल हो जाता है, अगर लिखा है नो पार्किंग, देन तो आपको साक्षर होना ही पड़ेगा। इसीलिए साक्षरता इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हमको अपनी डे टू डे लाइफ में चारों ओर दिखती हैं, उन्हें हमें जल्दी जल्दी समझते हुए आगे बढ़ना होता है, नहीं तो हम स्लो रह जाएंगे। उसका मतलब ये कि हमको जब तक तो कोई डायरेक्ट एक्सपीरियंस नहीं देगा, आके डेमो नहीं देगा, तब तक हम बात नहीं समझ पाएंगे। तो इसलिए साक्षरता जरूरी होती है, क्योंकि वो सिंबल्स जो होते हैं वो हमको रटा दिए जाते हैं, वो समझा दिए जाते हैं, और इस तरीके से हमारा कॉग्निटिव डेवलपमेंट हो जाता है। हम ज्यादा रेट से चीजों को समझ पाते हैं, क्योंकि वो एब्स्ट्रैक्ट तरीके से आ रही है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको कोई कंसेप्ट समझना है तो डायरेक्ट एक्सपीरियंस उसके लिए बनाया जाए, पूरा ड्रामा बनाया जाए, थोड़ा मुश्किल है। लेकिन अगर वर्बल सिंबल्स आप देखें तो लिखे जा सकते हैं, जल्दी लिखे जा सकते हैं। कोई गाइडलाइन आपको फॉलो करनी है, तुरंत गाइडलाइन लिख के आपको दे देगी कि भाई पढ़ लो। लेकिन वही गाइडलाइन आपको ड्रामा करके दिखाई जाए या दूसरे तरीकों से दिखाया जाए तो उसमें टाइम ज़्यादा लगेगा, और हमारे चारों ओर चीज़ें इतनी हैं कि हमें जल्दी जल्दी करनी होती हैं। इतना टाइम किसी के पास नहीं है, हमारे पास भी नहीं है कि हम हर चीज़ का एक ड्रामा देखें। ठीक है, तो जो वर्बल सिंबल है वो सबसे एब्स्ट्रैक्ट है, यानी टेक्स्ट। वर्बल सिंबल मतलब टेक्स्ट, और उसमें जो चीज़ें बताई जा रही हैं वो हमें जल्दी समझ में आ जाती हैं, जल्दी प्रिपेयर भी हो जाती हैं, और इस तरीके से जो है हमारा ये कोन ऑफ एक्सपीरियंस बताता है किस किस चीजों से आपको अनुभव मिल सकता है। देखिए, एक अनुभव होता है फर्स्ट हैंड, और जो लोग किताबें पढ़ते हैं मोटिवेशनल या किसी की बायोग्राफी, उनको एक्सपीरियंस मिलता है सेकंड हैंड, मतलब किसी पर्सन के साथ उसकी लाइफ में क्या क्या मुश्किलें हुई। इसको आप केवल टेक्स्ट को पढ़ के भी, विजुअल या वर्बल सिंबल्स का यूज करके भी आप चीजों को पढ़ सकते हो, समझ सकते हो। ठीक है, तो ये एक डिफरेंशिएशन है। किसमें डिफरेंस डिफरेंशिएशन है? 11 स्टेजेस ऑफ कंक्रीट एक्सपीरियंस टू एब्स्ट्रैक्ट। ठीक है, तो ये क्या था, ये कंक्रीट एक्सपीरियंस है और ये गया एब्स्ट्रैक्ट तक। आई होप आपको बात समझ में आई होगी, यही कोन ऑफ एक्सपीरियंस है। ठीक है, तो एक क्वेश्चन इसमें आया है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन यहाँ देख लेते हैं, कोन ऑफ एक्सपीरियंस का। टीचिंग और लर्निंग, ठीक है, कोन ऑफ एक्सपीरियंस रिलेटेड टू टीचिंग एंड लर्निंग वॉज सजेस्टेड बाय, तो सीधे नाम पूछ लिया गया है किसने सजेस्ट करा था। ठीक है, तो एडगर डेल। तो आप देख सकते हैं इस टाइप के क्वेश्चंस आ रहे हैं, क्वेश्चन मतलब कि यहाँ तक कि जिसने वो दिया है सिद्धांत, जो थ्योरी दी है, उसका भी नाम पूछ लिया जा सकता है। तो अब नए पैटर्न में टीचिंग एप्टीट्यूड में ये चीज़ें हो गई हैं। आगे भी हम कुछ थ्योरीज की बात करेंगे वीडियोस में, बने रहिएगा, सब्सक्राइब जरूर करिएगा। ठीक है, तो इसमें हम बात करते रहेंगे कि किस किस टाइप की थ्योरीज आ रही हैं। वीडियो पसंद आया प्लीज़ को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके बेल बटन दबा दीजिए अगर ऐसी ही वीडियोज आपको चाहिए। और KB10 ये कोड तो आप बिल्कुल मत भूलिए, अगर 10% आपको डिस्काउंट चाहिए अनअकैडमी प्लस प्लेटफॉर्म पे। सो वीडियो देखने के लिए गाइस आप सबका बहुत बहुत थैंक यू। आज की वीडियो के लिए इतना ही है, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैव अ नाइस डे एंड टेक केयर।